नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मनदीप गौतम। इस समय हमारे साथ मौजूद है एक आजाद उम्मीदवार उदयराज जी, जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, इस बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल, यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं उनके लिए, क्योंकि जितने भाई लगे हुए हैं यहाँ पर, जितनी भी सरकारी तथा है, जैसे जीएमसीएच हो गया, 16 हो गया, 32 हो, पीजीआई हो गया, एक्सवाईजेड, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट्स की वो है जिनमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे लड़के लगे हुए हैं और 20-20 साल, 25-25 सालों से अपनी एज लिमिट भी गंवा चुके हैं। आज उनको गवर्नमेंट ने सिर्फ यही बोला हुआ कि हाँ कुछ करेंगे। सरकारें आती है और कहती है कि हाँ करेंगे, कब करेंगे ये नहीं समझ में आता, कब करेंगे? जब हमारे जैसे मैदान में आएंगे तब कुछ करेंगे। कुछ करो तो हमारे जैसे को मैदान में आने की जरूरत ही ना पड़ती। अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने सिर्फ 11,000-10,000 रुपए में हमें जीने पे मजबूर कर दिया है। हमारे बच्चे एक टाइम अच्छा खाना खाते हैं, एक टाइम ऐसे ही गुजारते हैं। तो भाइयों, क्या हमारे को हिंदुस्तान में जीने का हक नहीं? डर से क्या हम हिंदुस्तानी नहीं? तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जो अगर जनता ने मुझे जाकर इतना सपोर्ट किया, और मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि जनता खुद कहेगी हाँ वाकई में कोई आया जिसने हमारी जिंदगी संवार दी और आज चंडीगढ़ को बना के दिखा दिया कुछ कि हाँ वाकई में। वर्कर भी खुश होंगे। सबसे बड़ी चीज होती है लेबर प्रॉब्लम इतनी है हमारे देश में बहुत ज्यादा। आज भी गरीबी से लोग ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा। बेचारे चौक पे खड़े रहते हैं, पूरा दिन खड़े होंगे, फिर घर जाते हैं, माँ बाप पूछते हैं हाँ जी कुछ हो, बेचारा मुंह लटका करके बस दो रोटी सूखी खा करके और सो जाता है। सुबह फिर वही, सुबह जाके उसी चौक पे फिर खड़ा हो जाता है वो लेबर। तो ये चीज जो है वो देख करके सरकार को कुछ नहीं समझ में आती। अगर सरकार को समझना होता तो आज इतने सालों से सरकारें आई और गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं आई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, और हो सका तो जिसकी हिम्मत हो सकी सभी आए। पर यहाँ कुछ किसी ने आज तक कोई बदलाव दिखा दे मुझे, 1% भी कोई बदलाव नहीं आया लेबर के रिगार्डिंग। सिर्फ वही 11,000-10,000-12,000, इतनी सी सैलरी में बंदा कैसे जीता है? ये बंदा जो सरकारी नौकर 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है उसको पता होता है, उसके अपने एक महीने बाद पता लगता है। 80,000 रुपये सैलरी वाला जो कहता है कि यार मेरे महीने के बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा है फोन में, तो बेचारा 10,000 रुपये वाला सोचो सर कैसे जीता होगा। उसके रिगार्डिंग आप आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे को मेरी जनता पसंद करे, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जनता के लिए कुछ करके दिखाऊं, कुछ बना के दिखाऊं, ऐसी यूनिटी, ऐसा कुछ करूं जिससे कि पब्लिक उदयराज को जाने भी और उदयराज को माने भी, उदयराज को पहचाने भी। तो सर, आपने कर्मचारियों की बात की, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो कर्मचारी उनकी बात की, लेकिन इसमें कहीं युवाओं की, कहीं बच्चों की, कहीं एजुकेशन की, या जो मध्य वर्ग के लोग हैं उनकी फैसिलिटीज की बात की, उनकी भी बहुत है, मेरे दिल में बहुत अहमियत है इन चीजों की। और मैं चाहता हूं कि इन सारे मुद्दों पे मैं सभी पे नजर रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही उसके लिए मैं खड़ा हूं। मैं ऐसे मुद्दे जितने भी हैं, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो है अपनी सबसे बड़ी बेरोजगारी। इसको पहले अगर आप सॉर्ट आउट कर देंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ी सी जो परेशानियां हैं, जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, ऑटोमेटिकली बंदा कवर कर सकता है। अगर कम से कम बंदे की सैलरी 25 से ऊपर हो जाती है तो वो कुछ सोच सकते हैं, वो अपने लिए भी सोच लेगा और प्लस अपने बच्चों के बारे में भी सोच लेगा। सरकार के सोचने की थोड़ी सी क्षमता कम है। तो ये मैं चाहता हूं कि भाइयों, जो हो सकता है उसको पहले करें। ये अगर कर दिया तो ऑलरेडी मैं कहता हूं कि देश में थोड़ी सी परेशानियां, जो इतनी सारी परेशानियां वो बहुत कम हो जाएंगी। और पब्लिक खुद समझदार है, ऐसी बात नहीं कि हमारी पब्लिक नहीं समझदार, हमारी पब्लिक पूरी समझदार है, पूरी दिलो जान से पूरी लग जाएगी। और जिस दिन
पब्लिक खुद समझदारी से काम करने लगेगी, सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी भाई। और ये जो मुद्दा है ना कि लोग पार्किंग का, चंडीगढ़ में पार्किंग की कॉलोनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जिसके भी घर के सामने गाड़ी लगाओ रोड़ा पानी लग जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट ने पार्क बना के दिया था, वो पार्क कम पार्किंग ज्यादा हो गई है, तो भाइयों को पार्क भी चाहिए जिसमें बच्चे खेलें। आज हमारे बच्चे अगर कहीं जाते हैं खेलने के लिए, किसी के दरवाजे पे किसी का कांच टूट जाता है, किसी की खिड़की टूट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, जनानियां आपस में लड़ पड़ती हैं, वो पुलिस केस होता है। ये सारे केसेस होने से अच्छा है कि कुछ अच्छा करे। अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर देगी तो ये सबकी नौबत ही ना है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक जगह जो पार्क है वो पार्क ऐसा हो कि लोग अच्छे से खेले, अच्छे से और अच्छी तरीके से खेले बच्चे, कि किसी को नुकसान ना। तो आपने अपना चुनाव चिन्ह रखा है ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा ही क्यों सर? मैं चाहता हूं मेरे ऑटो वाले भाइयों का, सबसे ज्यादा मैंने देखा ऑटो वाला भाई आज की डेट में इतना पैसा नहीं कमा पाता कि इतने बड़े बड़े चालान छुड़वाए। मैं खुद भी ऑटो चालक था आज से साल पहले, साल दो साल पहले मैं ऑटो ही चलाता था पार्ट टाइम में। ऑलरेडी मैं पार्ट टाइम में ऑटो चलाता था, तो भाइयों मैंने देखा है ऑटो का जो चलान है वो 4500-5000 से ऊपर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के खातों में 4500-5000 रुपए अगर पर ऑटो भी आ रहा है तो समझ लो अरबों खरबों रुपए आ रहे महाराज। अगर गवर्नमेंट गरीबों से ही लूट के गरीबों का कुछ करना चाहती है तो ये तो वही हुआ ना, गरीबों से ही लूट के कुछ ऐसा करो कि गरीबों को लूटने की जरूरत नहीं पड़े। जो चालान है ऑलरेडी आप उसको 100-200 रुपए में तो निपटा सकते हो, अगला खुद भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ जितने भी बड़े चालान है ऑटो वालों के उनको सभी चालान 100 या 150 इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि 4500-5000 रुपए आपका चालान बच। पहली बात तो वो किस्तों पे ऑटो लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी किस्तें बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं, फिर मकान का किराया, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने मकान दिया हुआ है वो भी किस्तों पे दिया हुआ है। ऑलरेडी अगर किस्तों पे ही मकान देना था गवर्नमेंट ने तो क्या पब्लिक क्या खुद नहीं खरीद सकती? ये तो पब्लिक को कहते नहीं, पब्लिक थोड़ी सी जाग रही, जिस दिन जाग जाएगी उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा सरकार। और मैं चाहता हूं कि पब्लिक जरूर जागे, पब्लिक को मेरी तरफ से सलाम है पूरा। चालान की बात की, अगर चालान के रेट को कम कर दिया जाए तो नॉर्मली ऐसे लोग रूल को ब्रेक करेंगे, तो लोग रूल को ब्रेक ना करें इसीलिए उन्होंने चालान के जो रेट थे वो बढ़ाए, ताकि लोगों के मन में डर हो कि हम अगर कोई रूल को ब्रेक करते हैं तो हमारा चालान होगा, तो उससे बेहतर हम कोई रूल ब्रेक ना करें। ये जो डर की बात आप बता रहे, अगर हर एक बंदे को यही सोच में आ जाए कि हाँ ये चीज डर के गवर्नमेंट, अगर हर एक कर्मचारी हर एक बंदा यही सोच करके डर की वजह से सिर्फ गाड़ी सही चलाता है तो ये गलत फहमी है। डर नहीं है, ये तो उनके ऊपर थोपने वाली बात हो सकती है। ये तो कहते नहीं कि सरकार ने गवर्नमेंट ने डर का नाम दे करके उनके ऊपर एक बोझ थोप किया कि हाँ जी हमारा बैंक बैलेंस बनेगा। बैंक बैलेंस क्या बनेगा? वो भी काला धन बनेगा, ठीक है कि नहीं? वो सारी दुनिया जानती है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं। पब्लिक समझदार है, पब्लिक इतनी वो नहीं है, पब्लिक कोशिश करेगी कि जितना हो सकता है अपने आप को हर एक बंदा बचा के रखता है। सबसे बड़ी चीज तो ये है, चालान करता है चाहे 100 का हो चाहे 200 का, उसका बेचारे का पूरे दिन की दिहाड़ी नुकसान होती है। वो चालान छुड़वाने जाता है तो उसका पूरा दिन लगता है, वो 4500-5000 रुपए मायने नहीं रखते, उसकी दिहाड़ी का नुकसान होता है। उसका सबसे बड़ी बात होती है कीमत होती है उसके टाइम की, कि उसने अपने बच्चे कब लेने कब कहाँ छोड़ने। और सबसे बड़ी चीज ये है जिन लोगों के ऑटो मैंने देखा है चलान हुए हैं उन्होंने छुड़ाए नहीं इतने गरीब हैं बेचारे, तो आप खुद सोचो कि ये कम क्यों नहीं किया जाए। मैं चाहता हूं ये कम किया जाए, और मैं अगर सत्ता में आया तो मैं ये करके दिखाऊंगा और ये करूंगा। तो इस बार चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए आपकी कितनी धनराशि खर्च हुई है और कितना एरिया आप चंडीगढ़ का कवर कर सकते हैं?
मैंने अभी तक जो धन राशि की बात है वो मेरी अपनी यूनियन ने मुझे दिया हुआ है, मैंने अपनी जेब से एक रुपए नहीं लगाया। ईमानदार हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, ईमानदारी मेरे को अच्छी लगती है। तो मेरे दोस्तों ने ही मुझे ये सपोर्ट किया है, जितने भी पैसे अभी तक लगे हैं मेरे चुनाव प्रचार में ये सब मेरे दोस्तों की ही देन है। मैं खुद अपना परिवार नहीं पाल पा रहा हूँ तो चुनाव कैसे लड़ूंगा, सबसे बड़ी चीज ये है। मेरे दोस्तों की देन है कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी यूनियन मुझे पूरी अच्छे से सपोर्ट करे और मैं अच्छे से जीतूं, और मैं काश ऐसा कुछ कर सकूं कि मेरे दोस्त जितने भी इतने सालों से लगे हुए हैं उनकी एक अपनी इमेज हो, उनकी एक अपनी रिस्पेक्ट हो। चुनाव प्रचार में आपके साथ उनको ने और चंडीगढ़ का कितना एरिया कवर किया? चंडीगढ़ का हालांकि एरिया जो है वो मैंने सारा कवर तो नहीं कर पाया हूँ, अभी भी 2-3 कॉलोनियां रह गई हैं, पर डोर टू डोर कैंपेनिंग स्टार्ट है अभी आज और कल तक। मैं चाहूंगा कि ये भी पूरा करूं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से ही सारे प्रचार करें। मैं तो एक कोशिश कर सकता हूँ, कोशिश करना मेरा काम है, आगे से ऊपर वाले के ऊपर। तो अंत में जनता से क्या अपील करेंगे कि वो आपको चुनाव में वोट क्यों डाले? मैं चाहता हूँ जनता मुझे वोट इसलिए दे कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। मैं जनता को कुछ चाहता हूँ कि जनता अच्छे से अच्छी सी तालीम अपने बच्चों को दे और अच्छे से ग्राउंड में खेले बच्चे, अच्छा सा पार्क हो जिसमें आराम से वो गाड़ी खड़ी करे निश्चिंत होकर के, जिसके अंदर उनके अंदर कोई भय ना हो, कोई उनके अंदर डर ना हो, आराम से जाए आराम से आए। और पब्लिक को पब्लिक ही अगर देख करके डरेगी तो फिर सरकार कहेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसी ही कुछ ऐसा करे जिससे कि गरीबों का भला हो, गरीबों का भला होगा तो आगे कुछ हो सकता है। अब जितने भी गरीब भाई हैं कॉलोनियों में ही हैं, हालांकि कोशिश करते हैं कि सारे कॉलोनी वासी जितने भी भाई लगे हुए, मैं पहली बात तो कोशिश करूंगा जितनी भी सरकारी प्रथापे हैं बंदे उनको जब अच्छी सी नौकरी हो जाएगी, अच्छी सी सैलरी हो जाएगी तो वो खुद अपने आप को बदल सकते हैं, वो अपने आप को खुद बदलाव महसूस करेंगे, और जनता खुद मुझे चाहेगी कि हाँ उदयराज जी को वोट दे और उदयराज जी को विजयी बनाए। जय जनता, जय उदयराज। तो ये थे हमारे साथ आजाद उम्मीदवार उदयराज जी, कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।